नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सनातन संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा को धमकी मिली है। दरअसल वह श्री बागेश्वर धाम गए थे, जहां पर वहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वे वापस लौट रहे थे, जबलपुर की ओर जा रहे थे जहां से उन्हें गुजरात जाना था। बीच रास्ते में उन्हें धमकी मिली है, मोबाइल पर यह धमकी मिली है। बताया जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग करके ये धमकी दी गई है उनके द्वारा। ये नंबर भी फ्लैश किए गए हैं जिसके माध्यम से उन्हें धमकी दी गई है। उनके साथ जो फॉलो गार्ड चल रही थी उसे भी उनके द्वारा अवगत कराया गया। दमोनगर कोतवाली पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। उपदेश राणा को हिंदू शेर कहा जाता है। पहले भी उन्हें कई तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, अब उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बागेश्वर जी से मिलकर आ रहा था, धाम पर गया हुआ था उनके कल, और आज सुबह वहां से निकला था मैं। तो मुझे जबलपुर से जाना था गुजरात आगे, तो मुझे एक थ्रेट आई। तो जो पुलिस की गाड़ी मेरे आगे चल रही थी दमाव की, तो मैंने उनको भी बताया, और जो थ्रेट देने वाले थे उन्होंने ये कहा कि आज हम तेरा पीछा कर रहे हैं, तेरे बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हम बम फेंक कर तेरे को मारेंगे और तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो मुझे थोड़ा मामला सेंसिटिव लगा, तो मैंने जैसे ही फ़ोन वो स्पीकर पे था मैं नीचे उतरा, और जो हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी पुलिस उनको भी मैंने बताया, तो उन्होंने आगे बात की, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो अभी क्षेत्र का मामला है कि इनका लगता है या देहात का लगता है, जहाँ भी लगता है, लेकिन FIR उस पर दर्ज हो रही है। किस मामले को लेकर आपको? मुझे कोई मामला नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ ये कहा गया कि उपदेश राणा हम तेरे पीछे हैं और सुबह से तुझे ट्रेस कर रहे हैं, अभी हम तेरे नज़दीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं, एग्जैक्ट वर्ड थे उनके, और हम बम फेंक कर आप तेरी हत्या कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं ISIS की थ्रेट पे हूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जजमेंट भी आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि ISIS जैसे और जो कट्टरवादी संगठन हैं उनकी मैं रडार पर हूं, और ऑलरेडी मेरे दो साथियों की हत्याएं हो चुकी हैं। कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कॉल थी, तो जो उन्होंने बोला वो एग्जैक्ट वर्ड मैंने आपको बताया। आप लोग पहचान सकते हैं कौन है, कहाँ से, किस? नहीं, मैंने वो नंबर दिए हैं, वो लोकेशन निकाल रहे हैं कहाँ की है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी धमकियों से ना तो आज तक डरा हूँ ना आगे डरूंगा। मैं जो अपना काम करता आया था आगे भी वही करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने नंबरों से धमकी आई है? एक नंबर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, 238 पर ये कॉल थी मुझे। आप जैसे देख पा रहे होंगे ये तीन नंबर है, इससे मुझे कॉल आया पहले नंबर से, दो नंबर ये जुड़े हुए थे साथ में ऊपर, और एक ही नहीं मुझे लगातार कई कॉल की गई है। देखिए आप नंबर आप अपने कैमरे पर देखेंगे तो इन नंबरों से कॉल। उपदेश राणा कहते हैं कि उन्हें किसी भी धमकी से कोई डर नहीं लगता। हालांकि उनके दो जो साथी थे उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन वे लगातार हिंदूवादी संगठनों के लिए तत्पर रहते हैं, हिंदू समाज के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर नजर आते हैं, जिसके चलते उन्हें हिंदू शेर कहा जाता है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई कर पाती है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।